नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी उपायोजित लेखन में से वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परीक्षा में वृत्तांत लेखन 5 अंक के लिए पूछा जाता है। देखते हैं वृत्तांत लेखन क्या है और उसे लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। वृत्त यानी घटित, बीता हुआ। वृत्तांत घटना का विवरण। इतिवृत्त समाचार, खबर, या तो हम कह सकते हैं अहवाल। इसे अंग्रेजी में रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। वृत्तांत लेखन यह रचना लेखन का एक प्रकार है और एक कला भी। किसी सत्य घटना का इतिवृत्त या अहवाल यानी वृत्तांत। वृत्तांत दिए गए विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। वृत्तांत में भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखा जाता है, यानी जो भी लिखा जाता है वो कम से कम शब्द में उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। किसी घटना प्रसंग की सही जानकारी देने हेतु वृत्तांत लिखा जाता है। अभी देखना है वृत्तांत लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी जब हम वृत्तांत लेखन करेंगे तो इन सभी चीजों की बातें चीजें हमें ध्यान में रखनी है और उसी के अनुसार हमें वृत्तांत लेखन करना है। वृत्तांत में जो भी घटना हो गई होती है उसका वर्णन होता है। वृत्तांत में घटना, स्थल, काल का उल्लेख करना ही है। घटना जिस क्रम से घटित हुई उसी क्रम से प्रभावी भाषा में लिखनी है। कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखने के लिए अनेक वृत्तांत पढ़ना बहुत जरूरी है। वृत्तांत लेखन कम से कम 80 शब्दों में होना चाहिए। विषय अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। विषय सामने आते ही क्या लिखना है इसकी रूपरेखा मन में तैयार करनी चाहिए। अनावश्यक बातों को टालकर केवल महत्वपूर्ण बातों का समावेश करना है। घटनाक्रम और वर्णन में क्रम का सिलसिला होना चाहिए। वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, प्रमुख व्यक्ति आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और इस वृत्तांत को आकर्षक शीर्षक भी होना चाहिए। अभी आपके लिए उदाहरण के तौर पर मैंने एक वृत्तांत लेखन दिया है। देखते हैं विषय ऐसा है या प्रश्न है, डॉक्टर आंबेडकर विद्यालय नासिक में मनाए गए शिक्षक दिन समारोह का रोचक वृत्तांत लिखिए। अभी यहाँ पूछा गया है वृत्तांत में स्थल, काल और घटना का उल्लेख आवश्यक है। तो इस वृत्तांत का पहले होता है शीर्षक। तो हमारा शीर्षक क्या होगा, डॉक्टर आंबेडकर विद्यालय में शिक्षक दिन का शानदार समारोह। दिनांक और स्थल देखो, नासिक 5 सितंबर 2019। यहाँ गए डॉक्टर आंबेडकर विद्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिन के रूप में मनाया गया है। पाठशाला के सभागार में सुबह 8 बजे से शिक्षक दिन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के प्राचार्य चतुर्वेदी जी ने की। सभागार को सफेद और पीले फूलों तथा रोशनी से सजाया गया था। सरस्वती वंदना के बाद विद्यालय के उप प्राचार्य श्री विपिन शास्त्री ने पुष्प गुच्छ देकर अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हुए उनका संक्षिप्त में परिचय दिया। इसके बाद चतुर्वेदी जी ने मंच पर
रखे डॉक्टर राधा कृष्ण के चित्र को पुष्पहार पहनाया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय, प्राचार्य महोदय तथा अन्य वक्ताओं ने शिक्षक की महिमा और कर्तव्य पर प्रकाश डाला। पाठशाला के छात्रों ने गुरु गरिमा नामक एक लघु नाटिका प्रस्तुत की। विद्यार्थियों की ओर से प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ, एक शाल तथा श्रीफल भेंट किया गया। निरीक्षक श्री कमलाकांत वर्मा ने अध्यक्ष महोदय एवं आमंत्रित लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह 11 बजे समाप्त हुआ। बच्चों, अपेक्षा करती हूँ कि आपको वृत्तांत लेखन किस तरह से लिखना है यह समझ में आया ही होगा। अभी आपको भी प्रयत्न करना है वृत्तांत लेखन लिखना। धन्यवाद।